शिरोमणि वर्मा जी, 2 मिनट बहुत, अपनी बात जो पॉइंटेड है वो कहिए। सभापति महोदय, मुझे आज बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारी पार्टी की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं भी आभारी हूँ कि मुझे इस योग्य समझा और विश्वास जताया कि गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों की आवाज़ इस सदन में रख सकूँ। महोदय, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ते आर्थिक मंदी और महंगाई की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने बजटीय भाषण के माध्यम से निम्न वर्ग, खासकर नौकरी पेशा, स्थायी कर्मचारियों एवं मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े समाज से आने वाले छात्राओं के लिए धन की कम व्यवस्था की गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में एक सैनिक स्कूल, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, एक सैनिक स्कूल देने का कष्ट करेंगे। और हमारे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में हमारे 2 जनपद आते हैं और दोनों जनपद बहुत ही पिछड़ी हुई श्रेणी में आते हैं, और उन पिछड़े हुए ज़िलों में, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, शिक्षा के मामले में बहुत ही कमज़ोर ज़िला है, वहाँ के लोग बहुत कम शिक्षित हैं, इस नाते माननीय वित्त मंत्री से मैं चाहूँगा कि एक शिक्षा के माध्यम से एक वहाँ व्यवसायिक कॉलेज यौंग शिक्षा के मामले में अच्छी व्यवस्था देने का काम करें। धन्यवाद।